मचावो धमाल। काम कर ले तसरे टेंशन, अरे काम कर ले तसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? अनिल कंफर्टेबल है? अपने बारे में कुछ बताइए। सर जैसा कि आपको पता है मेरा नाम अनिल कुमार लोनिया है। सर मैं बिलासपुर जिले के घुटकू गांव का निवासी हूं। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से कंप्लीट की, फिर स्नातक मैंने सीएम दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर से बीएससी कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट की है। फिर सर मैंने बीएड कोर्स किया है शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर से। सर मेरी हॉबी योग और प्राणायाम करना है। क्या क्या करते हैं योग और प्राणायाम में? सर योग आसन करता हूँ सर और प्राणायाम करता हूँ। योग में जैसे सूर्य नमस्कार और प्राणायाम में जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। सर मेंशन नहीं किया आपने? वही प्रश्न है, मेंशन नहीं किया था आपने। यहाँ हॉबी मेंशन नहीं किया है, छूट गया होगा सर। फॉर्म आपने नहीं पढ़ा ठीक से, सॉरी सर। आपने अपने हस्ताक्षर भी नहीं किए यहाँ। चलिए कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? सर अटेम्प्ट थर्ड है, इंटरव्यू सेकंड है सर। जी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला था सर, सेकंड में इंटरव्यू और थर्ड में इंटरव्यू सर। ठीक, सेकंड में कितने नंबर थे आपके इंटरव्यू में? इंटरव्यू में 95 सर। कौन सा बोर्ड था? बोर्ड वीके मैम। वीके मैडम, चलिए ठीक। तो क्या कारण रहा आपका सिविल सर्विसेज में आने का? सर पहले तो कोई भी स्टूडेंट है स्टार्टिंग में डिसाइडेड नहीं रहता कि कौन सा प्रोफेशन चुनेगा। तो सर एक बार हमारे स्कूल में एक एसडीएम सर आए थे, तो एसडीएम सर का जो अपीयरेंस था उसके बाद हम लोग को समझाना कि मतलब एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सिविल सेवा के बारे में बताए थे, तब से सिविल सेवा के प्रति मेरा झुकाव था सर। और उससे पहले सर मैं, क्या नाम था एसडीएम सर का? एसडीएम सर का राजकुमार सिंह सर। अच्छा, और उसके बाद सर मेरा झुकाव टीचिंग की तरफ था, इस कारण मैंने बीएड कोर्स भी किया। लेकिन उसके उस बीएड कोर्स के करते के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो झुकाव है या फिर जो सिविल सेवा की तरफ ज़्यादा है, इसलिए मैंने सर जो सिविल सर्विस है उसको चुना है। लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे टीचिंग के फील्ड में अगर जाने का मौका मिलता है तो वहाँ भी मैं अपना 100% दूंगा सर। टीचिंग के फील्ड में जाने का मौका कैसे मिलेगा आपको? सर मैंने क्योंकि बीएड कोर्स भी किया है। तो अभी शिक्षक भर्ती निकली थी उसमें आपने अप्लाई नहीं किया? अप्लाई किया हूँ सर, लेकिन जो उसके लिए सबसे पहले सीजीटीईटी दिलाना पड़ता है उसके लिए, तो वो नहीं दिला पाया था सर लास्ट ईयर। नहीं दिला पाया कि नहीं दिया? नहीं दिया था सर, क्योंकि उसी समय लास्ट ईयर सेम शेड्यूल में इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए गए थे सर। उसी दिन? उसी दिन नहीं सर, कुछ दिन पहले थोड़ा सा। तो उस कारण से मैं जो टीचर बनने के लिए जो योग्यता है उसको नहीं धारण कर पाया। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, आपको टीचर बनना है कि प्रशासनिक अधिकारी बनना है? दोनों अलग अलग चीज़ है। जी सर। तो सर सिविल सर्विस के सर्विस की तरफ मैं ट्वेल्थ करने के पश्चात झुकाव जो ग्रेजुएशन करने के दौरान है, तो सिविल सेवा की तैयारी भी मतलब थोड़े कम रिसोर्सेज के साथ शुरू किया था। तो सिविल सेवा में जाने का प्लान मेरा पहले से ही था, लेकिन उसके बाद सर जो जॉब सिक्योरिटी है और जो बेरोजगारी की समस्या है उसको देखते हुए मैंने बीएड कोर्स भी किया था, ताकि मुझे अगर फ्यूचर में इन केस अगर जॉब करना हो तो टीचर भी एक बेहतर जॉब है। लेकिन सिविल सर्विस मेरा पहला प्रेफरेंस था सर, क्योंकि मैंने अपने जो सिविल सेवा के जो लक्ष्य है उसको मजबूत बनाने के लिए उसके साथ बीएड का कोर्स किया था। तो मतलब आपने कह ही दिया कि आपने बेरोजगारी को देखते हुए, तो आप में इसका इंटरेस्ट नहीं हुआ फिर टीचिंग में? आप कह रहे हैं मेरा इंटरेस्ट था, पहले आपने कहा मेरा इंटरेस्ट था। आपको इंटरेस्ट कहाँ था फिर? इंटरेस्ट था सर, लेकिन आपने तो कहा ना कि सर जॉब सिक्योरिटी के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए बोले, फिर इंटरेस्ट कहाँ है? सर जैसे कि हम लोग स्कूल लाइफ में भी रहते हैं,
तो वहाँ टीचर भी पूछते हैं कि बड़े होकर आपको क्या बनना है, तो सबका जवाब रहता है टीचर। तो उस समय हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि मतलब जो, क्योंकि हम लोग अपने टीचर को भी देखते रहते हैं, तो एक टीचिंग बहुत अच्छा जॉब है, इसमें हम आगे जाकर अपने फ्यूचर को अच्छे से समाज में योगदान भी दे सकते हैं और अपना मतलब कर्तव्य भी निभा सकते हैं। तो इसलिए वो एक जो कॉन्शियस माइंड में वो हमेशा रहता है सर। अच्छा, चलिए ठीक है। घुटकू की कुछ विशेषताएं बताइए। घुटकू सर जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है उसमें एक स्टेशन भी पड़ता है सर। उसके बाद यहाँ प्राचीन महामाया मंदिर भी है और यह जो बिलासपुर जिला मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर पड़ता है और इसके किनारे से जो अर्पा नदी है वह भी प्रवाहित होती है। जी सर। चलिए बढ़िया है। तो महामाया मंदिर आप जाते हैं, आपकी आस्था है। जी सर। तो संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो आपको यह अधिकार देता है कि आप मंदिर जा सकते हैं, उपासना कर सकते हैं? संविधान का अनुच्छेद 25 ही हमें अधिकार देता है सर कि हम अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं और उसके उसके लिए अपने धर्म को घोषित भी कर सकते हैं बिना डर और भय के। जब बिना डर और भय के हम धर्म को पोषित कर सकते हैं तो फिर ऐसा कई बार सुनने में क्यों आता है, ये समान सिविल संहिता है या यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किसी विशेष धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त कर देगी? सर इसके पीछे यह रीजन है क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से सभी जो सिविल कानून हैं सभी धर्मों के लिए समान हो जाएंगे, लेकिन जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनका मानना यह है कि उन्हें एक लक्षित करके उनके ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है। और क्योंकि अब अगर बात करें भारत में मुसलमान धर्म की, तो मुसलमान धर्म में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सिविल को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पश्चात, मुसलमान धर्म की इस्लाम धर्म सर, तो इस्लाम धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर जिन्हें UCC लागू किया जाता है तो उनमें बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनका डर ये रहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके हमारी संस्कृति को पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है। अगर इसको चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे रूप में किया जाए तब ये ज़्यादा बेहतर होगा सर। तो एक असुरक्षा सबसे बड़ी वजह है जो अल्पसंख्यक वर्गों को होती है। तो क्या करना चाहिए सरकार को इस असुरक्षा को दूर करने के लिए? सर पहले स्तर पे तो सभी धर्मों के जो धर्म गुरु या फिर रहते हैं उनका एक सम्मिलित सभा होना चाहिए और सभी का मत जानना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में उनके क्या राय हैं। और दूसरे लेवल पे करना चाहिए सर कि सभी धर्मों के जो समान नियम हैं उनका अध्ययन करना चाहिए ताकि अगर भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी होता है तो उसमें सभी धर्मों के कुछ समान और अच्छे गुण हैं वो लागू हों। तीसरे लेवल पे हमें यह करना चाहिए सर कि जो विधि आयोग जैसी संस्था है या फिर जो न्यायपालिका है उनका भी, जो न्यायिक अधिकारी हैं उनका भी सलाह को अच्छे से मानना चाहिए ताकि जो न्याय का जो फैलाव है वो अच्छे से हो सके और यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छे से लागू हो सके भारत में। अनिल जी। यस सर। बिलासपुर में घुटकू में कोई उद्योग औद्योगिक क्षेत्र है या उद्योग है वहाँ? सर एक छोटा औद्योगिक क्षेत्र है जिसे घुटकू में कोल डिपो के नाम से जाना जाता है जो हाल ही में 2 वर्षों में खुला है सर। जी। ये कोल डिपो किसके अंतर्गत है? एक प्राइवेट निकाय है सर। यहाँ पे ना केवल कोल का जो वॉशिंग है और कटिंग का ही कार्य होता है बस। मतलब वहाँ पर वॉशरी है? हाँ वॉशरी है, कोल वॉशरी है। जी सर। बिलासपुर में आप एजुकेशन के बारे में बताइए कि बिलासपुर में शिक्षण संस्थान जो है वो कौन कौन से शिक्षण संस्थान हैं अलग अलग? जी सर। स्ट्रीम के? जी सर। तो सबसे पहला है सर केंद्रीय विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय है। और दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय जिसका पूर्व नाम बिलासपुर यूनिवर्सिटी था। तीसरा है सर महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो एक प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित है। तीसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय जो यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटीज़ के जो भी कोर्सेज हैं उसको चेक चलाती है। और एक है सर कोटा तहसील के अंतर्गत डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी जो भी प्राइवेट निकाय है सर यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जी जी जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जी सर। बिलासपुर में जब ये राजधानी बना, बिलासपुर बोल रहा हूँ मतलब जब न्यायधानी बना, जब राजधानी का संघर्ष चल रहा था जिसमें इसको राजधानी बनाने के लिए यहाँ के लोग प्रयत्नरत थे, तो उसके एवज में बिलासपुर को क्या मिला? बिलासपुर राजधानी की मांग किया जा रहा था, राजधानी बनाया गया हमारा रायपुर को, तो बिलासपुर को क्या क्या दिया गया? सर इसके एवज में कुछ
तीन चीज़ें अगर मिली हैं मेरे विचार से, सबसे पहला तो न्यायधानी का दर्जा मिला है। यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वह संचालित है, क्योंकि राजधानी के जो बर्डन होते हैं उनको कम करने के लिए न्यायपालिका को कहीं दूसरी जगह लगाया जाता है। उसके बाद दूसरा है सर यहाँ पे जो साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड है उसका हेडक्वार्टर बिलासपुर ज़िले में है। और तीसरा सर यहाँ जो राजस्व जो रेवेन्यू है उसका जो हेड ऑफिस है वह भी बिलासपुर ज़िले में संचालित है। और जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है उसका जोन भी बिलासपुर जिला है सर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन सर, तो पहले किसके अंतर्गत आता था, किस जोन के अंतर्गत? सर ये पहले जो नागपुर जोन के अंतर्गत आता था जी। रेलवे स्टेशन और जंक्शन क्या डिफरेंस है? रेलवे स्टेशन सर एक नॉर्मल जहाँ पे यातायात के लिए एक स्टेशन बनाया जाता है, जहाँ पे जो आवागमन के लिए जो यात्री हैं वहाँ ट्रेन पकड़ सकते हैं। लेकिन जो जंक्शन होता है सर वह ऐसे स्थान पर होता है जहाँ पे तीन या चार दिशाओं में अलग अलग डायरेक्शन के लिए रेल मार्ग निकलती है, जैसे कि बिलासपुर सर। और उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन में मैं अपने गांव का स्टेशन घुटकू भी ले सकता हूँ। बिलासपुर में उर्वरक उद्योग के बारे में बताइए। सर बिलासपुर में एक स्थान है दगौरी करके, वहाँ पे फर्टिलाइजर संयंत्र स्थापित है, ऐसे थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, सॉरी। फर्टिलाइजर जी, आपके पिताजी का नाम गौरी शंकर है। यस सर। गौरी शंकर मंदिर एक जिला है जहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर, क्या आपको पता है? सॉरी सर इसके बारे में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ मतलब आपका बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ पर आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में ये गौरी शंकर मंदिर जो है यहाँ पर कई सारे आयोजन भी होते हैं आपके राज्य स्तर के। जी सर, कोई जानकारी नहीं? बिलासपुर में ऐसा कोई मंदिर, गौरी शंकर मंदिर? बिलासपुर में तो नहीं है सर, बस एक याद कर पा रहा हूँ, जो शक्ति जिला है वहाँ पे चंद्रपुर नाम का जगह है, वहाँ पे भगवान शिव और माँ पार्वती का अर्धनारीश्वर मूर्ति है, उन्हें भी गौरी शंकर कहा जाता है। जी मैं बात कर रहा हूँ रायगढ़ का। अच्छा ठीक, रायगढ़ में एक प्रसिद्ध मंदिर है आपका। जी सर, गौरी शंकर मंदिर। तुरंत सर। तो अनिल जी, सबसे पहले तो आप अपने नाम का जो मीनिंग है वो बताएं। जी सर, सर अनिल का अर्थ होता है हवा। अच्छा, आपने लिखा है कि लोनिया ओबीसी समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी में भी अलग अलग होते हैं लाइक, तो लोनिया को हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं? जैसे किस विभाजन के बारे में बात करें सर? जैसे कि अलग अलग विभाजन देखते हैं लाइक, हम साहू देखे, हमने चंद्राकर देखा, हमने ऐसे और बहुत सारे विभाजन की हम बातें करते हैं, तो इस प्रकार से जो लोनिया है उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? बहुत सारे हमारे पास डिविजन होते हैं, जनजातियों में भी अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार से हम ओबीसी के किस और कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं? सर मैंने इसके बारे में घर में पता किया है, तो मतलब दादाजी बताए हैं कि ना जो लोनिया समुदाय है वह लवणकार के रूप में जाना जाता था, तो इनका प्राचीन काल में व्यवसाय नमक बनाने और उसका व्यापार करने का था, लेकिन वर्तमान में यह जो समुदाय है वह कृषि कार्य में अधिकतर क्रियारत है। वही पूछा था, जैसे तेली जो होते हैं वो तेल पेरने डॉल ऐसा ही चीज़। ठीक, आपने कहा कि अपनी जो हॉबी है योगा एंड प्राणायाम, पहले तो मुझे अंतर बताना, योग और आसन क्या दोनों समान है या दोनों में अंतर है? सर जो आसन है वो योग के अंतर्गत ही उसका एक भाग है सर। अच्छा, योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? योग का शाब्दिक अर्थ यह संस्कृत के युज धातु से बना है सर, इसका अर्थ होता है जोड़ना, चाहे वह मन को हमारे शरीर से जोड़ना हो या फिर ना जो आत्मा है उसको परमात्मा से। जैसे आसन की हम बात करते हैं तो अलग अलग पोश्चर होते हैं, अलग अलग हमारे पोजेस होते हैं। यस सर। लेकिन पतंजलि ने जो दिया था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने जो आठ अलग अलग दिए थे, क्या उस पर चर्चा करना चाहेंगे? यस सर जी। तो सर जैसे कि योग का उल्लेख हमारे भारतीय संस्कृति में कई स्थानों पर हुआ है, उसमें जो योग जो दर्शन है उसका प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने किया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारे अज्ञानता रूपी पर्दा लगा है उसको केवल मानसिक व्यायाम से हम दूर नहीं कर सकते, उसके लिए शारीरिक प्रयत्न भी आवश्यक होंगे। तो अज्ञानता को दूर करने के लिए उन्होंने आठ प्रकार के जो अष्टांग योग है उनको दिए थे सर। इनमें है प्रमुख यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि था। तो इसमें जो आसन है उसके अंतर्गत ही योग आसन को रखा गया है सर, क्योंकि आसन का अर्थ होता है कि वह अवस्था जिसमें शरीर लंबे समय तक आराम पूर्वक बैठ सके।
अच्छा, आसन में और प्राणायाम में मुख्य जो रूप से अगर मैं देखूं तो सांसों का जो खेल है, श्वास को रोक के रखना पड़ता है, श्वास को एक नियत टाइम के बाद छोड़ना पड़ता है और लेना पड़ता है, तीन अलग अलग स्थितियां होती हैं। श्वास हमने लिया, रोक के होल्ड करके रखा, फिर हमने छोड़ा, तो ये मेन आसन में ज्यादा देखने को मिलता है या प्राणायाम में देखने को मिलता है? जो सर श्वास के नियंत्रण की बात है वह प्राणायाम का ही मुख्य भाग है। इसमें पूरक, कुंभक और रेचक तीन प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हीं के द्वारा प्राणायाम नियंत्रित होता है। सर आप जो है कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं, यस सर, तक आपने किया है जी, तो भारत में जो कंप्यूटर क्रांति आई है ना, उसके जनक के रूप में जैसे हम श्री राजीव गांधी जी को जानते हैं, वर्तमान परिदृश्य में आप क्या देखते हैं कि किस प्रकार से कंप्यूटर जो है टेक्नोलॉजी में अभी कितना सहायक हमारे लिए सिद्ध हो पा रही है, और आगे आने वाले इसके किसी डार्क साइड, मतलब इसका कोई निगेटिव जो पक्ष है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे? जी सर, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर जो कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग होने वाला है वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके पक्ष में होने वाला है। और इसके अगर डार्क साइड की बात करें सर, तो सबसे पहला साइबर सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा है, क्योंकि भारत में डिजिटल साक्षरता उतनी नहीं है जितनी एक साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उसके बाद दूसरा है सर डेटा की चोरी, क्योंकि एक तथ्य में कहा जाता है कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, तो वर्तमान में जब भी युद्ध आयोजित होंगे वह जो संचार तंत्र है उसी के बेसिस पे होंगे सर। और तीसरा यह है सर कि इससे हमारी जो निजता का अधिकार है वह भी बहुत ज़्यादा खतरे में होता है, क्योंकि डेटा लीक की समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है। उसके बाद चौथे स्तर में सर जो ई वेस्ट की समस्या है, कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो एक चलन के पश्चात खराब हो जाते हैं, तो उनका रिसाइकिलिंग नहीं हो पाता, तो वो बहुत बड़ी समस्या होगी सर। आपने सर जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपने कहा कि कोल वॉशरी करके एक शब्द आपने यूज किया, ये कोल वॉशरी क्या होता है, आसान सी भाषा में समझाना चाहेंगे, या कोल को वॉश क्यों किया जाता है? जी सर, तो सर जो कोयला है वो खदान से आता है, तो उसमें बहुत सारे धूल के कण और नमी वगैरह व्याप्त रहती है, तो वो डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एरिया में यूज नहीं हो पाता, और उसका साइज भी बहुत बड़ा बड़ा रहता है, तो उसी को अच्छे से धूल के कणों को और जो अशुद्धियाँ रहती है उसको धोकर और उसमें जो नमी है उसी को सुखा कर उसको एक प्रोसेस किया जाता है सर। जैसे कि लघु वनोपज हैं, उनको प्रोसेस करके एक यूज योग्य बनाया जाता है, लगभग उसी प्रकार से। नहीं तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि एंथ्रेसाइट जो होता है वो ज्यादा ऊर्जा दे पाता है कंपेयर टू बिटुमिनस या लिग्नाइट। तो आपने कहा कि वॉश करेंगे किसी चीज को, धोएंगे, तो किस प्रकार के धोने की बात हो रही है, विथ वाटर या कुछ और तरीका होता है उसको सर? बात कर रहे हैं जी सर, उसको जो एक गर्म हवा है उसके साथ भी हीट किया जाता है सर, और जैसे कि अगर उसकी आवश्यकता एनटीपीसी जैसे उपकरणों में है तो उसको बारीक चूर्ण के रूप में भी कोल वॉशरी में पीसने का काम होता है जी। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, आप बिलासपुर यहाँ से बिलोंग करते हैं, देखा गया कि बिलासपुर जो है यहाँ पे एक ऊर्जा हब भी है, जैसे आप सीपत यहाँ पर देख पा रहे हैं, पास में हमारा कोरबा भी है, लेकिन पावर कट की समस्या है बहुत कई महीनों से यहाँ पर आ रही है, और बहुत सारे जैसे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि सामान्य समस्या है, स्थानीय लोग शिकायत करते हैं कि पावर कट यहाँ पे बहुत हो रहा है, आप एक अधिकारी हैं तो किस प्रकार से इस समस्या को आप सुलझाएंगे? अगर सर बात करें एनटीपीसी की, तो उसमें मेरे देखने से ये लगा है कि जो एनटीपीसी कोरबा हो या फिर एनटीपीसी सीपत है, इसके जो पावर जनरेशन का मैक्सिमम जो हिस्सा है वह दूसरे राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को चला जाता है, जो लोकल यूज़ है उसके लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। और सर एक अधिकारी के रूप में पावर कट के लिए सबसे पहले मैं करूँगा कि अभी जो बिना मीटर के जो बिजली उपकरण चलाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो उन्हें मीटरीकृत बिजली प्रदान करने का मतलब कोशिश करूँगा। दूसरे स्तर पर सर कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक बिजली बिल योजना है, उसको अच्छे तरीके से अवेयरनेस फैलाकर संचालित करने का प्रयास करूँगा, ताकि उनकी बिजली भी कम आए और जो विद्युत की चोरी छिपे चोरी होती है तो वो भी कम हो सके। और उसके बाद जो विद्युत आपूर्ति है, तो वर्तमान समय में जो बिना पॉलीकैप्ड वायर के साथ होती है, तो उसे पॉलीकैप्ड वायर के साथ सप्लाई करने का अगर प्रयास किया जाए तो उसका जो ट्रांसमिशन ह्रास है वो भी कम हो जाएगा, और जो बिजली की चोरी है वो भी कम हो सकती है सर। अनिल, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि आपने डीएसपी का पद क्यों नहीं भरा है? सर मेरा जो डीएसपी पोस्ट के लिए और एक और पोस्ट है उसके लिए ना हाइट 168 सेंटीमीटर नहीं आ रहा है सर। अदरवाइज आप भरते? हाँ, आपकी पर्सनालिटी देख के ऐसा लग रहा है कि आप उसमें सर पॉइंट समथिंग कुछ कम है, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया हूँ उसके लिए। पर एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जी,
आपका हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है। अच्छा, तो देखिए किसने बताया कि आपको ऐसा रखना है? हाँ? हाँ। किसी ने बोला है? नहीं, नहीं सर, नहीं बोला है। आप कैसे ये मुझे आपको नहीं लगता कि नेचुरल क्या है आपको? वो सर मतलब वो यूपीएससी इंटरव्यू देख देख नहीं, आप नेचुरल कैसे रख सकते हैं बताइए? नेचुरल सर ऐसे। हाँ, नेचुरल रखिए आप। हाँ। आप नेचुरल रखिए जी, जैसा आप चाहते हैं जी सर। ये थोड़ा नेचुरल नहीं, थोड़ा सा हाँ, इनफॉर्मल हो जाएगा थोड़ा। हाँ, वैसे रख लीजिए, आराम से रख लीजिए। हाँ। और थोड़ा सा हैंड मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करें। बीच बीच में समझ में आता है कि आप कुछ चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, पर बहुत ज्यादा में थोड़ा सा इनफॉर्मल लगने लगता है जी सर। थोड़ा सा हैंड मूवमेंट को बहुत ज्यादा आपको रेस्ट्रिक्ट करना, जैसा आपको मन करे वैसा रख सकते जी सर। पर ये जिसमें आप कंफर्टेबल हो जी। ये सर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है सर मुझे, मतलब कि हैंड मूवमेंट हो जा रहा है। ऐसे रखिए हाथ को, ऐसे रखिए क्रॉस कर लीजिए जी, ठीक है? आराम से जी, ये ऐसे रख लीजिए आराम से, ठीक, रिलैक्स हो गया सर। मैं और कुछ पूछे तो बोल दीजिए सर, मैं ऐसे में कंफर्टेबल रहता हूँ। यस सर, है ना जी। हालांकि कोई आपसे नहीं बोलेगा कि आप ऐसे क्यों बैठे हैं सीजीपीएससी के इंटरव्यू में, बल्कि ऐसे यदि आप हाथ रखते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको किसी ने सिखा के भेजा है। लास्ट इंटरव्यू में पूछे थे सर कि मतलब कौन से कोचिंग, मतलब अनिल जी सही सही बताइए कि कौन कोचिंग वाले ना ऐसे हाथ को चिपकाने के लिए ना रखने के लिए बोल रहे हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि कौन से कोचिंग वाले, मुद्दा ये है कि बच्चा अपनी ओरिजिनलिटी खो दे रहा है। यस सर, पोस्चर के चक्कर में जी। वो मैं आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाहता हूँ। आप अपने आप में ही नहीं है तो मैं क्या आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करूँ? इसलिए आप आराम से रहिए जी, ठीक है? इसमें दो तीन चीजें हैं, थोड़ा सा हमको फॉर्मल होने की जरूरत है। आप चीजों को बढ़िया बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए आराम से, थोड़ा आराम से बोलने का प्रयास करिए, हैंड मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करिए। जैसे आप इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं तो बोलिए जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम, हमको नहीं पता है, वो तो अभी आपने बताया कि आपका नाम क्या। हम चाहते हैं कि आपका नाम पूरे छत्तीसगढ़ में रोशन हो, लेकिन ये थोड़ा सा इन्फॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलना है कि आपको पता है, जैसा कि आपको पता है, है ना? और शुरुआत होता है ना जैसा कि आपको पता है, टीचर साइड से। हाँ, टीचर तरफ ये संबोधित है ना जी सर, कि सर मेरा नाम, सर मेरा नाम है ना जी, फॉर्मल रहते हुए सर मेरा नाम ये है और ये सारी चीजें। आप एक नए आदमी से मिल रहे हैं जी सर, तो नया आदमी तो अभी आपको जानता नहीं है। यस सर, तो आपने बताया तभी तो मैंने, अदरवाइज तो मैं आपका नाम यहाँ भी पढ़ सकता था। यस सर, मैंने आपसे पूछा तो आपको बताना है, ठीक है? यस सर, और बाकी सारी चीजें सही है। आराम से सोच समझ के बोलिए चीजों को, थोड़ा सा आराम से, ज्यादा बोलने से बचिए। जितना पूछा जा रहा है उसके बारे में बताइए, यदि उससे और क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन वहीं से बनेगा। एक चीज आपने बताई, जैसे दो तीन बार ऐसा होगा कि मैं प्रश्न जो पूछ रहा था, फिर मैं जो नया दूसरा प्रश्न पूछता उसमें उसका आंसर आपने रेगुलर में दे दिया, गलत नहीं है। हाँ। पर फिर वो दूसरे क्वेश्चन बनेंगे, तो यदि वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं और आप इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बोल सकते हैं तो अच्छी बात है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज कि भाई आप शिक्षण वाली बात अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि आप जीवन में कभी शिक्षक बनना चाहते थे। आपने बीएड यदि किया है तो कि दोनों चीजें फिर कंट्रास्ट हो रही है। एक तरफ आप बोले मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ, एक तरफ तो आप बोले कि सर मैं बीएड मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे शिक्षण शास्त्र में इंटरेस्ट था और आने वाले समय में रोजगार को देखते हुए मैं बीएड कर लिया। शिक्षक एक बहुत अच्छी जॉब है सर जी। मैं जरूर करता, लेकिन मैं प्रशासनिक अधिकारी पहले बनना चाहता हूँ क्योंकि उसमें मुझे बड़ा स्कोप मिलेगा। तो बोले आपका इंटरेस्ट किस में सर? मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी बनने में, लेकिन जैसे आपने आखिरी में बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि टीचर की जॉब एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, वो समाज में बड़ा चेंज ला सकता है। तो बिल्कुल सर, मैं आने वाले समय में भी ऐसा कोशिश करूंगा कि मैं जितने बच्चों को पढ़ा सकूं सिविल सर्विसेज के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, गाइड करने का प्रयास। यस सर, यही क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर कि ना मतलब आप सीएस कंप्यूटर साइंस में ना ग्रेजुएशन कर लिए, फिर बीएड भी करेंगे, तो आपको तो टीचिंग में जाना चाहिए, फिर सिविल सेवा में क्यों चयन मतलब आ रहे हैं ऐसे कर? बोला सर, मैं एक छोटे से गाँव से आता हूँ जी। और आपके पिताजी क्या करते हैं? कृषक है सर। कृषक है तो सर बोल रहे हैं, मैं छोटे से गाँव से आता हूँ और गांव में सर गुरुजी लोग का बड़ा सम्मान होता है जी। मेरे बचपन से मेरे मन में था सिर्फ मैं कि गुरुजी बनूं करके जी सर। मैं सर सीएस किया, उसके बाद ये किया बीएड सर, लेकिन सर यूट्यूब के माध्यम से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में जानने को मिला और मेरी रुचि इस ओर बढ़ी सर। मैंने देखा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी बहुत सारे लोग जो हैं सिविल सेवा में आ रहे हैं, खासकर बिना किसी कोचिंग के आ रहे हैं सर। मैंने भी सर कोचिंग का सहारा नहीं लिया, मैंने किताबें जरूर खरीदी मार्केट से, मैंने नोट्स जरूर पढ़े, लेकिन मैंने कोचिंग का सहारा नहीं लिया सर, नहीं मैंने कोई मॉक इंटरव्यू दिया। मैं सर अब यहाँ आया हूँ एक सिविल सर्विस अधिकारी बन करके सर सेवा करना चाहता हूँ और ज्यादा ज्यादा लोगों की समाज में हेल्प करना चाहता हूँ जी सर। अपने जैसे गाँव के जो युवा है, अन्य युवा है, उनको भी अच्छी दिशा में सर लाना चाहता हूँ।
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।